हाय फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इंटेक्स एक्वा पावर प्लस का सेट है। और इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये चार्जिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये कस्टमर बोला कि ये इस मोबाइल में चार्ज नहीं हो रहा, तो इसको हम जैसे ओपन किए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग पॉइंट है, ये चार्जिंग प्लस के पॉइंट का उखड़ा हुआ था प्रिंट, तो इसमें चार्जिंग प्लस पॉइंट का प्रिंट नहीं था। तो इसको हम अभी जम्फर करके किस तरह से किए हैं तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के साथ इस तरह से कभी सेट आता है और अगर इंटेक्स एक्वा प्लस में और इसमें अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है और अगर चार्जिंग पॉइंट प्लस नहीं प्रिंट उखड़ गया तो आप लोग किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो चार्जिंग कनेक्टर सीसी रहता है उसमें एक ग्राउंड रहता है और एक पॉजिटिव रहता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक साइड ग्राउंड रहता है और एक साइड पॉजिटिव रहता है। तो इन साइड इस साइड जो है ये ग्राउंड है और इस साइड जो है यहाँ जम्फर है। तो इस ग्राउंड को यहाँ से लेके यहाँ पे आपको एक जम्फर कर देना सीसी के ऊपर, ये ग्राउंड है। और उसका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को यहाँ से जम्फर लेना है और यहाँ से बोर्ड को पलट के और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो जम्फर किए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो बोर्ड को पलट के ये देख सकते हैं भी एस लिखा भी चार्ज, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जम्फर करना है। तो देख सकते हैं यहाँ जो सिर्फ जैक के बाजू में ही है, जस्ट जैक के बाजू में ही यहाँ पे जम्फर करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं पूरी जूम करके दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ जैक के जस्ट बाजू यहाँ पे आपको वो पॉजिटिव से चार्जिंग कनेक्टर के जम्फर करके और यहाँ पे आपको जम्फर कर देना है और आपका मोबाइल चार्ज होने लगेगा। तो चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ कि मैं ये, तो फ्रेंड्स ये मैं पहले से जम्फर कर चुका हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो दिखाने में समझाने में थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए इसको मैं अभी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि चार्ज होता है कि नहीं होता मेरे सेट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मेरा सेट चार्ज होने लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग इंटेक्स एक्वा पावर प्लस का चार्जिंग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर चैनल में नए